बताइए। अरे चाचा एक बात बताइए, आपने तो बहुत चुनाव देख लिए ना, इस बार जो माहौल बन रहा है उसको देखकर क्या बोलेंगे? ऐसा प्रधान नहीं देगा आज तक। क्या बोल रहे हैं? झूठा है प्रधान, ऐसा प्रधान नहीं देगा, झूठा है। इन्हें कोई मुद्दा करे, आप बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इन्हें कोई मुद्दा करे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे इन्हें भूखे मार दिए, 5 किलो का राशन एक महीना में आप पेट भर लोगे? काम धंधे नहीं रहे, क्या करा इन्हें? ये झूठ बोलता रहे हर वक्त। और आपका क्या 400 पार करता रहे, नारे में दम लग रहा है 400 पार में। नारे में दम है 400 पार में। मोदी जी बस इस बात से समझ ले कि पाकिस्तान ने अपने सबसे तेज फेंकने वाले को जेल में डाल दिया है, अब मोदी जी की बारी है। मोदी जी जेल में जाएंगे भ्रष्टाचार के नाते। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ उनको दिल्ली की जेल में विश्वास नहीं है तो उनको यूपी की जेल में भेज दिया जाए, तो उनको वहाँ पर पता लग जाएगा कितना उनको आराम दिया जाएगा, कितना विश्वास दिया जाएगा। आप एक महिला होने के नाते और आप तो कांग्रेसी भी, क्या देख रही हूँ? मोदी जी का एक ही नारा है कि चंदा लो धंधा दो, सिर्फ एक ही नारा है, ये इसी में काम कर रहे हैं। ये लद्दाख में क्यों नहीं जाते जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्यों जाते हैं मणिपुर में? अरे चंदे की बात है तो 70% तो विपक्ष के पास गया ना, जो खुद जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बोल रही है, 70% तो विपक्षों के पास। यहाँ देश में मुद्दों पे कोई भी बात नहीं होती है, जो हमारे मोदी जी है देश विदेशों में घूमते रहते हैं, जो जैसा की मैं बता रही हूँ मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल भी मुद्दों में बेरोजगारी का है हमारे देश में, रोजगार है ही कहाँ, बेरोजगारी फैली हुई है। ये देखो मुद्दों पर बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री, ये बोल रहे। मुद्दा ये है कि दिल्ली में आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार में आए थे, आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और जिस पार्टी के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के सबूत लेके आ रहे थे, आज उसी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ रहे हो, इससे ज्यादा और घटिया राजनीति क्या करेंगे? सोनिया गांधी को 2 घंटे जेल में डाल दो, सारे जवाब बता देगी, सारे उसके पास सब कुछ है, सारा सब कुछ बता देगी, किस किस के पास कितना पैसा है। और उसी सोनिया गांधी का विपक्ष बोल रहा है भाई हम इसके साथ आए, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, विपक्ष संविधान लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। हमारे पास पिछली बार 303 थे, पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हमने कोई संविधान में कोई फर्क। मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे आइए एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर मैं 400 पार के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी किस मुंह से 400 पार की बात कर रहे हैं? नौजवान इनसे खुश नहीं, जवान इनसे खुश नहीं, वो बीते 10 साल के, सुनो ना, 10 साल की सरकार के आधार पर बोल रहे हैं। कुछ नहीं करा जो, क्या लग रहा है 10 साल में काम नहीं हुआ? मुसलमान इनसे कुछ नहीं, किसान इनसे कुछ नहीं, किस बात पे 400 बात की बात करते हैं? कितना झूठा प्रधानमंत्री, हमने नहीं देखा भविष्य में, मेरी 50 साल उम्र होने वाली है, सिर्फ प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, लंबी लंबी फेंकते हैं, लंबी लंबी 400 पार में से एक जीरो हटा दो 40 आएंगे, 40 ईमानदारी से कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ 400 पार वाले नारे पर सवाल उठा रहे, दम लग रहा है आपको उसमें? बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा है, ये बस एक इनका जुमला। युवाओं के लिए क्या मुद्दे, आप एक युवा क्या सोचते हैं? बेरोजगारी बढ़ाई गई है देश में, आपने देखा होगा हमें 5th अर्थव्यवस्था कहा जाता है, सबसे बड़ी। संकल्प पत्र में और रोजगार देने का वादा किया गया है, वादे तो इन्होंने पहले भी करे थे जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 5वीं लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था जिसका पर कैपिटा इनकम 2.8K है, मतलब 2500 रुपए। फिर ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना की भी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उनका पर कैपिटा इनकम 13000 रुपए है। कहाँ है जीडीपी? ये बोल रहे हैं 3rd largest GDP बना के दिखाएंगे, सिर्फ तो 11वें से 5वें पर ले आए ना, 11वें से 5वें पर ले आए, लेकिन लोगों के, गरीब जनता के पास, अगर आज हम रिक्शे वाले के पास जाए क्या उसके पास पैसा है? नहीं है। किसके पास पैसा है? अडानी के पास, जिसने सिर्फ 14000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, सिर्फ 14000। अच्छा मैं पीछे आता हूँ, एक महिला होने के नाते इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? हमारा आम आदमी पार्टी का माहौल बनता नजर आ रहा है, बीजेपी कुछ काम करती है? इतना विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का माहौल बन रहा है? भैया काम कर रहे हैं उन्होंने, काम कर रहे हैं, काम क्या नहीं तो काम किए तो जेल में मुख्यमंत्री क्यों? जेल में तो झूठ में उन्हें कुछ मिला भी है, झूठे आरोप में कुछ मिला भी है उन्हें, जब अच्छे काम करेंगे जब उनका। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी वालों ने बिल्कुल गलत किया है, मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उनके ऊपर निर्दोष है वो, उनके ऊपर दोष लगाया जा रहा है और उनके दोषी है निर्दोष है क्या, वो तो सब कोर्ट तय करेगा ना। कोर्ट तो नहीं तय कर रहा, जनता होने के नाते आपको क्या लग रहा है? जनता जो बोलेगी वोट दे के बोलेगी, और बीजेपी को हराएंगे और केजरीवाल जी को जिताएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी ईडी बीत चुकी है, बीजेपी ने खरीद लिया है, लेकिन हमारे आदमी के ईमानदार पार्टी है और ईमानदार रहेंगे ऐसी। अरे मोदी जी को आपने सुना, जो ईडी के सिर्फ 3% केसेस है जो नेताओं के खिलाफ है, फिर कैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है ईडी पर? एमएलए है, करप्शन करते हैं,
उनको किसने अरेस्ट नहीं करा, सिर्फ हमारा हमारे अरविंद केजरीवाल अरेस्ट करा है। इतने उन्होंने तानाशाही दिखाई। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई इस बार तो माहौल आम आदमी पार्टी कांग्रेस। चलो देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं इन्हें कहने दो, पर माहौल तो पूरा देश बता रहा है, माहौल तो लेह लद्दाख बता रहा है, माहौल तो मणिपुर बता रहा है। आ रहा हूँ आपके पास, सुन लेते हैं। अरे अरे शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं, मैं यहाँ पर आता हूँ। दिल्ली और देश कर चुका है मंदन 2024 इस लोकसभा चुनाव में, देश की जनता पूर्ण बहुमत देने जा रही है नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में। अच्छा ये आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, पूरा देश कह रहा है। आज जो देश की आर्थिक स्थिति है ऐसी ही नहीं, अर्थव्यवस्था का इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मुझे ना बताइए। लेकिन एक बात बताइए, अगर इतना ही विश्वास होता तो 7 में से 6 को तो बदल दिया गया ना इस बार बीजेपी की तरफ से दिल्ली में। देखिए सुन लीजिए, अरे सवाल मैंने किया, सुन लीजिए जवाब। ये हमारे सांसदों का बड़प्पन है कि उन्होंने खुद कहा, हमारे क्रिकेटर होने का हम मैं समय नहीं दे सकता, इसलिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव लड़ाऊंगा, इसलिए उन्होंने अपनी सीट बदली। चुनौती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ आ गई है, चुनौती है, चुनौती है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। दो हमारे निर्विरोध अरुणाचल प्रदेश में चुने गए, एक सूरत में चुना गया, अगर माहौल नहीं होता तो कैसे चुने जाते हैं? अरे कांग्रेस तो उस पर भी अब कोर्ट जाने की बात बोल रही है ना, सूरत का आप जो बोल रहे हैं। जा सकती है, तुम्हारे प्रस्तावक नहीं पहुंचे, हमारा उसमें क्या दोष है? हमारा अगर बात ये कह रहे ये कहते जी ईडी तुम्हारे पैसे पकड़े जाएं तो संविधान खतरे में है, भ्रष्टाचार। अच्छा चलिए बहुत कम वक्त है, आप कुछ बोल रहे थे, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। देखिए मेरा धर्म है हिंदुस्तान, मेरा जोश है भगत सिंह और मेरी सोच है अंबेडकर। आप सुनिए, जो भारत के अंदर कोई सैनिक कहता था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा सैनिक है। आज अग्निवीर का बहिष्कार करते हुए लेह लद्दाख के अंदर गोरखा सैनिक चाइना की टीम में चाइना में शामिल हो रहे हैं, उसका जवाब मोदी सरकार क्यों नहीं देती? आज सिक्स शेड्यूल के ऊपर जिसने सरकार बनाई, यूनियन टेरिटरी हासिल करी, जम्मू कश्मीर को अलग करा, लेह लद्दाख को अलग करा, आज कहा मोदी जी सिक्स शेड्यूल ट्रैवल की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनके कारपेट लोगों को वहाँ धंधा नहीं मिलेगा। अगर सिक्स शेड्यूल लागू हो जाएगा यूनियन टेरिटरी के अंदर में, वह मोदी अदानी अंबानी धंधा नहीं कर पाएंगे। जवाब दे मोदी सरकार। अच्छा यहाँ पर मैं आना चाहूंगा, आप बताइए, अच्छा यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप बताइए इस बार क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? सूरत का जिक्र किया गया, भाई सूरत में तो कमल खिल गया, निर्विरोध वहां पर चुन लिया गया। निर्वाचन होएगा वो तो, जब वहाँ कोई था ही नहीं तो जीतेगा ही वो, वापिस ले लिया, चाल होगी इनकी, सीधी सी बात है। किसकी चाल? जो सरकार सेंटर में है। अच्छा ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा क्या, पता ही चलता है न्यूज से। ठीक है, बात करते हैं, कहाँ नौकरियाँ रही है? जब जब बीजेपी आती है सरकारी नौकरी खा जाती है, बैंकों को प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया, क्या किया है? चलिए ठीक है, तो ये जो गर्मी है, ये तो जो जोश है वो आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है वहां पर क्या हाल बनता हुआ नजर आ रहा है, सूरत हाल आपने देखा। कल एक और लोकसभा सीट का रुख करेंगे, नमस्कार।